हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 16 से डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका जो कंसेप्ट है ये लास्ट क्लास में आप लोगों को बतला दिया गया था और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। तो वो आपका ये है, आपका इसका वर्किंग रूल, मतलब सेक और टेन का पावर देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टेन के पावर में 4x है, मतलब यहाँ 4 क्या है आपका, इवन पॉजिटिव पावर है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव इवन पावर रहता है तो हम लोगों को करना क्या रहता है कि टेन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और आप पुट कर दो टी इक्वल्स टू टेन एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम लोग पहले चेंज करेंगे। तो कितना लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स को आप यहाँ पे चेंज कर दो कितना में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और होल स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करो, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आप इसे ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, सेक 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 1। अब आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दो कि आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो सेक के पावर में 4x का, वरना आप सेक स्क्वायर का जानते हो और 1 का जानते हो। तो आप जिसका नहीं जानते हो इसे आप रहने दो और हमने इसमें dx लगा दिया क्योंकि अब इन दोनों में हम लोग इसका इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे। जब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तो कितना हो जाएगा आपका, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है और 1 का इंटीग्रेशन x आपका होता है। ठीक है ना, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे हम लोग i1 किसे कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, इसे साइड से करके i1 इक्वल्स टू, मतलब ये सेक का पावर में 4x जो है इसे साइड में करके हम लोग इक्वेशन 1 में वापस ला करके पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग सेक का पावर में 4x को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सेक का पावर में 4x और dx, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट आप कर दीजिए टी इक्वल्स टू कितना, 10x। वापस इवन पावर आ गया, बताया गया था अगर सेक के पावर में इवन रहता है तो 10x पुट करना है। आप बोलोगे सर आपने तो 10 का पावर में आपने फॉर्मूला देख करके आपने बताया कि 10x पुट करना है, तो लेकिन मैंने ये भी तो बताया कि उसे चेंज करना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। आखिरकार घुमा फिरा वही तो रीजन आ गया कि टी इक्वल्स टू 10x आपका आ गया। तो आप देख लो कि 10 के पावर में 4x आपको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये स्टेप है बनाने का। तो dt बाय कितना हो जाएगा dx और 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, dt बाय यहाँ पे sec स्क्वायर x यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दो और dx और नाउ i1 इक्वल्स टू तो sec का पावर में 4 और dt बाय sec स्क्वायर x, एक स्क्वायर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा sec स्क्वायर x dt। और आप जानते हो ना कि sec स्क्वायर x को आपको चेंज करना है 10 में क्योंकि आप 10 के बदले में ही t जानते हो। तो sec स्क्वायर x का जरा सा रिलेशन मेरे को बतलाओ कितना होगा, तो आप क्या जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इससे क्या बेनिफिट हुआ सर, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि 10x के बदले में हम लोग टी यहाँ पे रख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है 1 के बदले में टी और टी क्यूब बाय 3 प्लस सी और टी के बदले में वापस आप रख दो कितना रख दोगे 10x रख दोगे ना, तो कितना रखोगे 10x और 10 क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी और ये वैल्यू तो आपका i1 आया हुआ है, आप यहाँ रखोगे ना वापस तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ वापस रख दो कितना आ जाएगा 10x प्लस 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस 2 10x प्लस एक्स और ये आपका 10x और माइनस 10x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका बचेगा इसे मैंने पहले लिख दिया है माइनस 10x प्लस एक्स और प्लस सी लास्ट में ऐड कर दो कांस्टेंट बन गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 70 से थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं बनाने का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को काफी प्रैक्टिस हो गया और जानते भी हैं। इसमें इसको कैसे बनाना है, इसको शेयर कर दो दोनों के लिए, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो ना आप कैंसल आउट करके भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, यहाँ पे दो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कोस आपका यहाँ पे दो कैंसल आउट हो जाएगा, एक क्या बचा है आपका साइन एक्स आपका बचा है और यहाँ कोस स्क्वायर है ना, थोड़ा सा इससे हमें अरेंज करके लिखना होगा तो इससे हम लोग इसे अरेंज कर दे रहे हैं। यहाँ कोस एक्स आपका एक बचा है, यहाँ पे दो दो साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स में लिख दे रहा हूँ और 1/x साइन एक्स लिख दे रहा हूँ, अरेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करो कि साइन बाय जो कोस है इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, 10x लिख सकते हो और 1/cos के बदले में sec x, cos बाय साइन cot x और 1/sin कितना cosec x और dx, 10x इंटू sec x इसका इंटीग्रेशन sec x और यहाँ पे cot x इंटू cosec x कितना होता है माइनस cosec x प्लस c। क्लियर है, बन गया। अब आप इस क्वेश्चन को जरा सा समझो, इसे कैसे बनाओगे, cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो ना, चार चार फॉर्मूला होता है, चार में से कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे,
फिर से मैं यहाँ पे जरा दिखला दे रहा हूँ, चार में से मैं ये फॉर्मूला पर पुट करने वाला हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस टू एक्स के बदले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स बाय कितना कोस स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स, देख लो। आप बोलोगे सर आपने यही फॉर्मूला आपने क्यों चूज किया, देखो ये कैंसल आउट हो गया, टू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पहले से था, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि आपका कोस टू एक्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स जो है, मतलब आप एंगल यहाँ एक्स बोलोगे तो यहाँ एक्स ही ना मैं बोलूंगा, इसीलिए मैं एक्स का मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये कैंसल आउट हो जाता। ओके, तो बस यहाँ पे सिंगल क्या बच गया, वन बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, वन बाय कोस कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का टेन एक्स हो जाएगा प्लस सी, बन गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 को जरा सा डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखोगे ना, तो याद होगा आपको साइन और कोस का पावर का बतलाया गया था, ओड पावर और इवन पॉजिटिव पावर, सम ऑफ द पावर, यहाँ सम ऑफ द पावर करो, यहाँ पावर वन है यहाँ पावर थ्री है, एड करो कितना हो गया पावर ऑफ फोर, ऊपर चला जाएगा माइनस फोर आपका हो गया पावर। इसका मतलब जब निगेटिव पावर हो जाता है आपका इवन में और साइन और कोस के पावर को सम करने पे, तो हम लोग कितना पुट करते हैं, टेन पुट करते हैं, तो टी कोस टू कितना पुट कर दो, टेन एक्स पुट कर दो, ठीक है। इसे जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये लॉन्ग सॉल्व होने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना हो गया डी एक्स आपका हो गया। अब नाउ वन बाय साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स, और यहाँ डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं जानते हो, आप बोलोगे कि सर कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक कोस यहाँ पे बच जाएगा ना, कितना आ गया फाइनली वन बाय साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब यहीं पे थोड़ा सा मुसीबत हो गया है, डरिए नहीं, जानते हैं इसे निकलने के लिए हम लोग बाहर के कैसे निकलेंगे। अब यहाँ मुसीबत क्या आया है, शायद आप भी ध्यान दे रहे होंगे, हमें यहाँ इसे कन्वर्ट करना है टी में, ठीक है, और आप जानते हो कि टेन एक्स के बदले में टी हमें पता है, यहाँ तो आपका साइन एक्स आ गया है कोस एक्स आ गया है, अब हमें किसी भी हालत में हमें टी में तो लाना ही पड़ेगा, और साइन का तो डायरेक्ट रिलेशन टेन के साथ में नहीं होता है, कोस का तो डायरेक्ट रिलेशन टेन के साथ में नहीं होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सिंपल सा बात है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। कैसे, आप इसे इक्वेशन वन मानो और यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन आप क्या जानते हो, यहाँ पे टेन एक्स इक्वल टू टी लिखा हुआ है ना, टी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वन ही तो है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो हमें यहाँ पे आप ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और हमें एच निकालना है, और एच इक्वल टू जानते हो ना क्या फॉर्मूला आपका होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और रूट ओवर, यही होता है ना। तो हमें पी हमें पता है, टी तो टी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो वन ही आपका होगा। आप बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, जब आप टेन एक्स के बदले में अगर आपको वैल्यू पता है तो आप साइन एक्स और कोस एक्स भी बना सकते हो, ला सकते हो वैल्यू, और साइन एक्स और कोस एक्स में ना हमें एच का हमें हाइपोटेनस का हमें जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ एच निकाला, इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन एक्स इक्वल्स टू पी बाय एच। तो पी का वैल्यू कितना यहाँ पे टी है और रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू हम लोगों ने ले आया, और कोस एक्स का भी वैल्यू हम लोग ला सकते हैं बी बाय एच, बी बी का वैल्यू कितना है वन है और रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन, और आपको दोनों का वैल्यू मिल गया है टी के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का भी मिल गया कोस एक्स का ही मिल गया, तो वापस आप यहाँ करके रख दो। तो चलिए यहाँ पे नाउ यहाँ पे लिखते हैं और आई वन, और इसके बदले में हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे टी बाय रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन, और कोस एक्स के बदले में हम लोग कितना रखेंगे वन बाय रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए कि अगर डायरेक्ट अगर रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला में जिसे टेन और साइन में नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने यहाँ पे चला और हम लोगों ने यहाँ पे आगे इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये तो दोनों में आपका यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो टी प्लस टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एक ही बार मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर प्लस वन आपका आ जाएगा टी, यहाँ तक क्लियर है ना। अरे देखो ना ये मेन डिवाइड का साइन है ना, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो हट जाएगा, तो बस ये नीचे में आएगा, नीचे में आएगा, तो फिर ये से पलट के लिख दो, आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को शेयर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेयर करने पे यहाँ टी बस बचेगा और यहाँ वन बाय टी बचेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, टी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी स्क्वायर
बाय टू, और वन बाय टी का कितना होगा लॉग टी प्लस सी, और टी टी के बदले में कितना लिखोगे टेन एक्स लिखोगे। देखिए आप एक बार सॉल्यूशन रख दे रहे हैं, आप लोगों को उतारने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो टी को सो टेन एक्स, बस टेन एक्स रख करके बस रिप्लेस कर दो, सिंपल सा बात है। तो कितना होगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और लॉग टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रही चीज है। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करेंगे, अब फिर से कोस 2x आ गया, ये तो कोस 2x पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बार 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 आपका कोस 2x आ रहा है। अब क्या फॉर्मूला पुट करो, कौन सा, खुद से एक बार ट्राई करो इन चारों में से कौन सा पुट होगा, तो जवाब मिलेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो। तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब बोलोगे कि अब इसमें से कैसे पता चल गया कि देखो ना नीचे में कौन है, जरा ध्यान से जरा से देखो, ये कैंसल आउट होने वाला है, चिंता ना करो यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना यहाँ पे, तो कोस एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स यहाँ पे रखोगे, और कोस एक्स प्लस साइन एक्स रखोगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यही ना होता है फॉर्मूला ना, कोस एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, एक ही कैंसल आउट हो गया, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसे तो खुद से ही बना सकते थे, पुट्टी कर दीजिए कोस एक्स और प्लस साइन एक्स और डी टी बाय डी एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसे रखने पे ये कैंसल आउट आपको हो जाने वाला है, तो कितना होगा कोस का माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन साइन का कोस एक्स, तो आप इसे थोड़ा सा अरेंज करके नीचे लिख दो साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, चीजें क्लियर हो रही ना। अब यहाँ पे नाउ आई इक्वल्स टू कितना लिख दोगे, यहाँ पे ही लिखना है ना, तो यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और बाय यहाँ पे कोस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स है, और इस डी टी बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसे कैंसल आउट करो, और इसके बदले में कितना लिख दोगे टी लिख दो, तभी भी लिख सकते थे, यहाँ पे बनाते हैं, तो आई इक्वल्स टू वन बाय टी और डी टी, और वन बाय टी का कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और टी टी के बदले में कितना जानते हो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देखिए यहाँ पे प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया ना। मैं आपको एक बात बस बतला देना चाहता हूँ ना, जैसे यहाँ पे है ना, तो आप इस चीज को ना डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं बतलाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड करिए, आने वाला समय पे जब हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग जब प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे और जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना, तभी आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, और आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये सब फिर वापस आएंगे। देखिए यहाँ पे माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए कि जब आप इसे पुट कर रहे हैं तो ऊपर वाला कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, और एक भी कोई कांस्टेंट बाहर नहीं आ रहा है, एक भी कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हूबहू यही आ रहा है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और वन बाय टी बचेगा, और वन बाय टी का क्या होता है लॉग टी होता है, तो टी तो इसे ही तो माने थे, वापस यहाँ डायरेक्टली रख दो ना, हो गया काम। चलिए अब इसका कैसे बनाएंगे 21 नंबर का, तो ये तो काफी ज्यादा ईजी है, कोस को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, ये भी तो एक रिलेशन होता है ना, बस फॉर्मूला ही से रिलेशन थोड़ी ना आता है कि कोस एक्स का आपका वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो, वो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ही है, लेकिन आपका ऐसे भी आप 90 माइनस एक्स भी आपका रिलेशन में आता है, ठीक है ना। तो ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा, कितना आपका आएगा पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, इसके साथ क्या लग जाएगा एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जरा सा 22 जरा सा देखते हैं इसे हम लोग कैसे डील करेंगे, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं, इसमें क्या है कि ये फॉर्म है ना, तो इसे बनाने का तरीका जरा सा देखिए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि साइन ए माइनस बी से मैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या ये सही है मल्टीप्लाई करना, आप बोलोगे सर सरासर गलत है, मैं पूछूंगा क्यों सर आपने मल्टीप्लाई किया, आपने तो डिवाइड तो आपने किया नहीं, बोलूंगा ठीक है डिवाइड करने की बात है ना, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ ए माइनस बी से, मैंने यहाँ पे डिवाइड मैंने यहाँ कर दिया, अब तो ठीक है ना बैलेंस है ना, जी बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ वन बाय साइन ए माइनस बी से रहने दीजिए, तो कॉन्स्टेंट ही से मैंने बाहर लिख दिया है, मतलब कॉन्स्टेंट से ही मैंने मल्टीप्लाई और मैंने डिवाइड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे बेनिफिट का काम में आएगा। तो यहां पे देखो मैं इसके बदले में क्या लिख रहा हूं, साइन एक्स माइनस बी, पहले पूरा लिख लेने दो तब आप देखो सही है कि गलत है, और मेरे को बतलाओ कि सही है कि गलत है,
तो कोस एक्स माइनस बी, बतलाओ सही गलत है। तो अगर किन्हीं को क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको बतला दूं कि बिल्कुल सही है। माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस ए हो जाएगा और ये माइनस बी, तो ठीक तो है, प्लस ए और माइनस बी ही तो बच तो रहा है वापस, सही तो है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है साइन ए माइनस बी का। क्या साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का कितना होता है? साइन ए इंटू कोस बी और माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ए के प्लेस पे एक्स माइनस बी है, बी के प्लेस पे एक्स माइनस ए है, तो बस आप रिप्लेस करो साइन कोस और कोस साइन में लिख दो तुरंत। आप इसे चाहो तो आप इसे कोसेक्स भी लिख सकते हो, कोसेक एक्स, ठीक है ना, मतलब कोसेक मतलब यहाँ पे ए माइनस बी ही आपका हो जाएगा, वरना आप ए माइनस बी भी आप रहने दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? साइन एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस ए, मतलब साइन ए इंटू कोस बी हुआ ना माइनस, फिर कोस ए इंटू साइन बी कर दो, कोस कोस ए, ए ये वाला है एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए। अब ये जो डिनोमिनेटर में है तो दोनों के लिए तो सेपरेट होगा ना, दोनों के लिए तो अलग अलग होगा ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं दोनों के लिए मैं अलग अलग भी कर दे रहा हूं। तो यहाँ कोस एक्स माइनस ए थोड़ा सा ना आपका एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि अभी फिर से पूरा डिनोमिनेटर में इसे भेज देते, फिर आप इसे सेपरेट करते, आपका टाइम ये बचा दिया ना थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों के लिए ही तो था, क्योंकि ये पूरा खुल के इतना बड़ा हुआ और ये होल में था, तो मैंने इसे दोनों के लिए यहाँ प्लस माइनस था, मतलब माइनस था यहाँ पे, प्लस भी रहता माइनस भी रहता सेम काम करते, तो अलग अलग मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, ये हिस्सा कट गया, इसमें से कौन सा हिस्सा कट रहा है जरा मुझे बताओ। तो कोस एक्स माइनस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा था, यहाँ पे क्या बच गया? साइन और कोस, दोनों एंगल सेम है तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा? टेन आपका हो जाएगा, वन बाय साइन ए माइनस बी इज टेन एक्स माइनस बी, और साइन बाय कोस फिर यहाँ क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा एक्स माइनस ए। यहां तक क्लियर है, सही है ना। अब टेन का इंटीग्रेशन कितना आप जानते हैं? टेन का इंटीग्रेशन दो दो होता है, सेक में भी होता है और कोस में भी होता है। जब कोस में लिखोगे तो माइनस लॉग कोस और एक्स माइनस बी यहां लिख दो, और फिर से माइनस कोस आपका लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा? लॉग कोस एक्स माइनस ए। देखिए आंसर आपका कोस में दिया हुआ है, सेक में दिया हुआ रहता तो आप सेक में कर देते। तो आप बोलोगे सर हम लोग सेक में रख देंगे कि या कोस में रख देंगे, आपकी मर्जी, आप किसी में भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आपका आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और आप इसके बदले कोसेक भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप आंसर मैच करवाओगे तो आप बोलोगे कि वन बाय रहने दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख भी दो चाहे आप ऐसे ही छोड़ दो। अब ये इसके बदले देखिए हम अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कोस एक्स माइनस ए बाय कोस एक्स माइनस बी। अब आप बोलोगे कि ये आपने क्या कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किया है कि लॉग ए माइनस बी जब रहता है, लॉग ए बाय बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब जब लॉग ए बाय बी रहता है तो आपका जो डिनोमिनेटर रहता है वो माइनस में आ जाता है, तो आपको ये फॉर्म दिया हुआ है लॉग ए माइनस लॉग बी। मतलब आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि नेगेटिव में लॉग कौन सा हिस्सा लिखा हुआ है, तो जो हिस्सा लिखा हुआ है नेगेटिव में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि लॉग में आपका दोनों को दोनों टर्म आपका लिखा गया है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में कौन लिखा गया है, नेगेटिव में ये हिस्सा है, ठीक है, तो ये हिस्सा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आ गया आपका वैल्यू बन करके, ओके ना, क्लियर है, समझ में आ रही ना चीजें, तो ये है। अब चलिए लास्ट का कुछ क्वेश्चन और भी हैं दो, उसे भी जरा सा डील कर लेते हैं, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन को भी जरा सा डील कर लेते हैं। तो जरा सा देखिए, तो 23 में आपका क्या है, इसे तो आप खुद से भी आप ट्राई करो, इसे आप सेपरेट करो, कैंसल आउट करो, जो बचा फिर आपका उसका इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा कैसे, साइन स्क्वायर और यहाँ पे इसे सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कितना, कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन का साइन को मैंने अलग अलग कर दिया, नहीं भी कर सकते कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन स्क्वायर और यहाँ कोस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ गया, वन बाय कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे बचा है और यहाँ पे कितना बचा है, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स आपका बचा है, तो वन बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा, और वन बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक से आपका इंटीग्रेशन तो है ही है, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, टेन एक्स होता है
और आपका कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बतला माइनस कोटेक्स होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बन गया ना। अब लास्ट बचाई इस क्वेश्चन को जरा सा डील करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें एंगल को पुट करेंगे, एंगल कितना है e के पावर में x इंटू एक्स है, तो चलिए पुट इक्वल्स टू e के पावर में x इंटू एक्स, तो dt बाय dx। अब आप बोलोगे सर इसे क्यों पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जब हम लोग इसे जब पुट कर रहे हैं ना तो ये हिस्सा आएगा और ये हिस्सा फंक्शन ऑफ फंक्शन में कैंसल आउट हो जाता है, थोड़ा सा मिक्स कर देता है ये चीजों को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखे तो काम आपका बन जाएगा। ये u इंटू वी में जाएगा ना, तो u इंटू वी का आपका डेरिवेटिव, u को छोड़ो तो e के पावर में x, और v का डेरिवेटिव लो तो 1 हो गया, फिर इसको v को छोड़ो और u का डेरिवेटिव लो तो e के पावर में x का e के पावर में x होगा। देखिए u इंटू वी का तो d बाय dx का, तो u को छोड़ो v का डेरिवेटिव लो और भी को छोड़ो और यू का डेरिवेटिव लो, ये होता है गुरु, ठीक है ना, यू इंटू भी का आपका डेरिवेटिव, आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या है आपका डी टी बाय डी एक्स, यहाँ से कॉमन निकालो ई के पावर में एक्स, तो वन प्लस एक्स ई के पावर में एक्स और वन प्लस एक्स डी एक्स। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया ना, इसे रखने पे ये हिस्सा आ गया ना, अब वो इजिली कैंसल आउट हो जाएगा, ई के पावर में एक्स और वन प्लस एक्स और कोस स्क्वायर, और इसके बदले में कितना रख दोगे, टी रख दोगे, डी टी बाय ई के पावर में एक्स और वन प्लस एक्स कैंसल आउट, आप इसे कर दो, और ये वन बाय जो कोस स्क्वायर है इसका रेसी प्रोकल करोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, और टी टी के बदले में कितना रखोगे, ई के पावर में एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस सी, क्लियर है, बन गया। तो हम लोगों ने 7.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बना दिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7.4 का कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।